वेलकम टू एकेडमी रीडिफाइन एजुकेशन। स्वागत है आपका। मैं मिल्टन कुमार। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 11th मैथमेटिक्स का, जो चैप्टर है आपका पहला सेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय। समुच्चय सेट्स। सेट्स अभी प्रेजेंट डे की बात करें तो सेट्स बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। लगभग सारे चैप्टर में ये इंक्लूड हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं सेट शब्द आया कहाँ से। तो जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटन ने सबसे पहले जब इसको त्रिकोणमिति के प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, तब उसने उस टाइम इसका नाम सेट्स रखा था। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सेट्स, यानी समुच्चय का सिद्धांत। समुच्चय का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ सेट्स। यहां पे हम लिखेंगे जर्मन गणितज्ञ, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने सर्वप्रथम, जॉर्ज कैंटर ने सर्वप्रथम सेट या समुच्चय, समुच्चय शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग त्रिकोणमितीय के श्रेणियों को हल करते हुए किया, हल करते हुए किया। अब हम देखते हैं सेट, सेट है क्या। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो सेट जो है हम लिखेंगे समुच्चय, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो सेट्स द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। तो यहाँ पे देखते हैं सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड यहाँ पे सुपरिभाषित और वेल डिफाइंड ये क्या है। तो मतलब कि ऐसे वस्तुओं का संग्रह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, सुपरिभाषित। जैसे कि हम बोलें भारत के नदियों का समूह या प्राकृतिक संख्याओं का समूह, नहीं तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं सुपरिभाषित क्या है। सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित
इसको हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड। हम बोलेंगे अवयवों का ऐसा, अवयवों का ऐसा संग्रह, अवयवों का ऐसा संग्रह जो भिन्न हो, जो भिन्न भिन्न हो अर्थात जो भिन्न भिन्न हो अर्थात जिनकी पुनरावृत्ति, मतलब दोहराया नहीं जा सका हो, अर्थात जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो एवं उनका एक निश्चित गुणधर्म हो, उनका एक निश्चित गुण हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, सुपरिभाषित वस्तु। नहीं, अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि, जैसे आपका हो गया प्राकृतिक संख्याओं, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह, प्राकृत संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह, भारत के नदियों का समूह, इस तरह से ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्या है, सुपरिभाषित है। या फिर हम लिख सकते हैं 500 के अभाज्य गुणन खंडों का समूह, इस तरह का जो रहेगा हम उसको बोलेंगे सुपरिभाषित है। जिससे सुपरिभाषित, ऐसे प्रश्न ये भी आता है कौन सा सुपरिभाषित नहीं होगा, जिसे हम बोलते हैं तेज विद्यार्थियों का समूह, तो ये आपका सुपरिभाषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेज का कोई मापदंड नहीं हुआ है, या फिर जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो किस चीज़ में तेज है, ऐसे हम नहीं कह सकते। तेज का मापदंड नहीं है, मतलब किस लेवल पे तेज है ऐसा। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे सुंदर सुंदर व्यक्तियों का समूह, तो सुंदर व्यक्ति, जैसे सुंदरता का कोई मापदंड नहीं होता है किस चीज़ में सुंदर है, कौन कितना सुंदर है, इसलिए इस टाइप का जब होगा ना तो हम उसको बोलेंगे सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सुपरिभाषित क्या है। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड इट्स एलिमेंट, हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड इट्स एलिमेंट्स, या हम बोल सकते हैं समुच्चय तथा उनके अवयवों का, समुच्चय तथा उनके अवयवों का निरूपण, समुच्चय तथा उनके अवयवों का निरूपण। हम देखते हैं यहाँ पे
समुच्चय और उसके अवयवों को हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो है समुच्चय यानी सेट को जो है हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ए बी सी डी से जेड तक इस तरह से हम इसको निरूपित करते हैं, हम लिखेंगे। और तथा तो उसके अवयव का जो निरूपण है वो क्या हो गया, अंग्रेजी सामान्यतः अगर हम बोलें तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा भी उसको हम निरूपित कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे साधारणतः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे हम बोल सकते हैं जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई सॉरी एक्स एक्स वाई जेड द्वारा निरूपित करते हैं, एक्स वाई जेड द्वारा। तथा समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे हम देखें, जैसे मान चलिए कोई सेट को निरूपित करते हैं, ए इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, जैसे पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का समूह है तो मान सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से। जैसे यहाँ पे है बी, सेट बी है तो हम इसको मान सकते हैं, मान लीजिए ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण का समूह है तो हम लिखेंगे ए ई आई ओ यू, नहीं जैसे भारत के नदियों का समूह है तो हम लिखेंगे गंगा यमुना सरस्वती और सब बहुत सारे नदियाँ हैं ना। तो यहाँ पे हम देखें कि समुच्चय तथा उनके अवयवों का निरूपण, तो यहाँ पे हम देखें कि समुच्चय मतलब सेट को जो है हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं, तथा ये जो है उनके अवयव या फिर जो बोल सकते हैं एलिमेंट या तत्व उसके अवयव को हम बोल सकते हैं उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षर द्वारा हम निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हो गया, अब आगे देखते हैं हम। कुछ विशेष मतलब कि जो इसको हम सिंबल से निरूपित कर सकते हैं तो हम लिखेंगे जैसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, जैसे मान लीजिए n, n को हम लिख सकते हैं प्राकृत संख्याओं का
समूह, जैसे W हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का समूह। इस तरह से जैसे मान लो इसी को हम लिखें ऐसे n इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट सोन। तो यहाँ पर वही होल नंबर हो गया, यानी W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। नहीं, उसी तरह से हम लिख सकते हैं जैसे R, R क्या हो गया वास्तविक, वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का समूह। उसी तरह से हम लिख सकते हैं जैसे Q इज इक्वल टू परिमेय संख्याओं का समूह। उस तरह से यहाँ पे अगर हम देखते हैं आई, आई पूर्णांकों का समूह, पूर्णांकों का समूह। तो यहाँ पे अगर यहाँ देखें तो पूर्णांक दो तरह से होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, दूसरा क्या होता है ऋण पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस अगर हम लिख सकते हैं, आई प्लस क्या हो गया तो हम लिख सकते हैं धन पूर्णांकों का समूह, धन पूर्णांकों का समूह। जैसे आई माइनस हम लिखें तो आई माइनस हम लिख सकते हैं ऋण पूर्णांकों का समूह, ऋण पूर्णांकों का समूह। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q प्लस भी लिख सकते हैं, जैसे Q प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि धन परिमेय संख्याओं का समूह, धन परिमेय संख्याओं का समूह। इस तरह से हम इसको हम निरूपित कर सकते हैं। तब आगे हम देखते हैं इस टाइप से सब हम लोग सेट को देखते हैं। अब यहाँ पे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम देखते हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी समुच्चय, समुच्चय को निरूपित करने की विधि, समुच्चय को निरूपित करने की विधि। तो यहाँ पर हम देखते हैं समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि, समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ हैं। जैसे आपका पहला हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे समुच्चय को निरूपित करने की
दो विधियां हैं, दो विधियां हैं। हम पहला लिखेंगे तालिका या सारणी रूप, तालिका या सारणी रूप, इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। दूसरा हम लिखेंगे गुण प्रकटीकरण विधि, गुण प्रकटीकरण विधि, इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग टेबुलर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला हम लिखेंगे तालिका या सारणी रूप यानी टेबुलर फॉर्म। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि टेबुलर फॉर्म में हम कैसे निरूपित करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई सेट हम लिखते हैं, ये आपका सेट है, तो यहाँ पे सेट ए को हम अगर लिखेंगे तो इसका जो अवयव है उसको मिडिल कोस्ट में हम क्या करेंगे, जैसे ए ई आई ओ यू, यानी मिडिल कोस्ट में इसको कोमा के द्वारा लिखते हैं। तो ये आपका फॉर्म जो होता है वो टेबुलर फॉर्म या फिर तालिका या सारणी रूप हम कह सकते हैं। जैसे एक हो गया बी, हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, इस तरह से जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अगर इसी को हम लिखें लैंग्वेज में तो हम बोलेंगे कि तालिका रूप में, तालिका या यानी टेबुलर फॉर्म में, तालिका या सारणी रूप में, सारणी रूप में समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को मध्यम कोष्ठ में, समुच्चय के अवयवों को मध्यम कोष्ठ में कोमा के द्वारा, कोमा के द्वारा दर्शाते हैं, कोमा के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे में यहाँ आपका है, नहीं जैसे में जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं इसको जैसे में ये कोई सेट है, इनके अवयवों को अगर हमको दर्शाना है तालिका रूप या टेबुलर फॉर्म में तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, जैसे कोई भी सेट हम ले सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या का सेट हो, पूर्ण संख्या का सेट हो, कोई भी सेट हो सकता है। जैसे हम ले सकते हैं
जैसे 20 का गुणन अभाज्य गुणनखंड, तो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है जो भी होगा, मतलब दो चार नहीं 20 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा दो पाँच, ये सब एक दो पाँच हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या का लेते हैं तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बी का अगर हम लिखते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण है तो हम लिख देंगे ए ई आई ओ यू, नहीं इस टाइप से हम अगर हम दर्शाते हैं तो आपका हो गया टेबलर फॉर्म। नहीं, अब दूसरा जो है आपका गुण प्रकटीकरण विधि, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी का जो है ना गुण बता दिया जाता है, मतलब कि इस विधि को ही अगर हम उसके भाषा में लिखते हैं, लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वही आपका क्या कहलाएगा, गुण प्रकटीकरण विधि। तो गुण प्रकटीकरण विधि को लिखने का जो तरीका है तो हम आगे देखते हैं। आपका दूसरा है गुण प्रकटीकरण विधि, इसी को अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है तो हम लिखेंगे इस विधि में गुण प्रकटीकरण विधि में लिखेंगे अवयवों को एक विशेष गुण द्वारा दर्शाया जाता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि एक मतलब भाषा, किसी विशेष भाषा के द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। जैसे हम लिखते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम मान ले कोई एक समुच्चय ए लिए, कोई सेट ए लिए, इसके अवयवों को हम, जैसे वो सेट जो है आपका प्राकृतिक संख्या का सेट, हम इसको लिखेंगे, सेट ए जो है आपका प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स सच दैट, एक्स क्या है प्राकृतिक संख्याओं का समूह, या ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे दूसरा सेट वांक्स लिए कोई दर्शाते हैं, जैसे हम बोलेंगे 20 से छोटी अभाज्य संख्या, जिसे हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स जो है 20 से छोटी सम संख्या भी लिख सकते हैं, सम संख्या, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे भी एक्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 20, इसको हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से जो हम लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं गुण प्रकटीकरण विधि। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कौन सा एक विशेष सिंबल है जिसको हम बोलते हैं ये और ये, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन और इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, अगर ऐसे काट दें इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों सिंबल का ऐसे हम लिखेंगे संकेत एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का मतलब, इसका मतलब हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है।
जैसे हम देखते हैं कोई सेट ए है, मान चलिए कोई सेट ए है, ए इज इक्वल टू हम लिखते हैं 3, 5, 7, 9 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम दर्शाना होगा 3 इसका सेट है या फिर नहीं है, तो हम लिखेंगे 3 ε A, मतलब क्या आ गया 3 जो है ए का क्या है अवयव है, या फिर इसको बोल सकते हैं 3 जो है ए का तत्व है या 3 ए का एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे बोलेंगे 3 belongs to A, मतलब 3 जो है ए में लाइज कर रहा है, मतलब 3 जो है ए का सदस्य है। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 belongs to A, मतलब 3 जो है 3 समुच्चय A का सदस्य है, 3 समुच्चय A का सदस्य है। अगर हमको नहीं दर्शाना होगा, मार्क्स लिए यहाँ पे 10 लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 10 इसका सदस्य नहीं है, क्या लिखेंगे 10 नॉट एप्सिलॉन ए। तो इसका मतलब हुआ 10 जो है 10 समुच्चय या सेट 10 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। जैसे कोई भी सेट लेंगे तो वहां पे सेट ए है, इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखाएं तो यहां पे हम लिखाते हैं यदि कोई सदस्य या अवयव, यदि कोई सदस्य सदस्य लिखे या फिर अवयव लिखें, यदि कोई अवयव समुच्चय यदि कोई भी अवयव समुच्चय का यदि कोई भी अवयव समुच्चय का सदस्य है, समुच्चय का यदि कोई अवयव, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे सदस्य नहीं, यहाँ पे अवयव ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ हम यहाँ पे लिखेंगे यदि कोई एलिमेंट, यदि कोई अवयव या तत्व, यदि कोई अवयव दिए गए समुच्चय का, यदि कोई अवयव दिए गए समुच्चय का सदस्य है, यदि कोई अवयव दिए गए समुच्चय का, यदि कोई अवयव दिए गए समुच्चय का सदस्य है यानी मेंबर है, तो उनके लिए एप्सिलॉन, उसके लिए एप्सिलॉन का प्रयोग, एप्सिलॉन का यूज करेंगे, तथा यदि कोई अवयव दिए गए तथा कोई अवयव तथा कोई अवयव दिए गए समुच्चय या सेट्स दिए गए अवयव कोई दिए गए समुच्चय का सदस्य नहीं है,
नहीं है तो हम उनके लिए एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक हम देखें, जैसे कि क्वेश्चन है, कोई सेट ए है जिसका मेंबर है 3, 5, 7, 8 इस तरह से है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, कह रहा है विच ऑफ सेट ए इज इक्वल टू इतना, तो कौन सा ऑप्शन या विकल्प, कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे हम लेते हैं ए नंबर, हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, बी नंबर लिखते हैं 4 बिलोंग्स टू ए, सी नंबर है 10 बिलोंग्स टू ए, और डी नंबर है आपका 2 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये सिंबल के बारे में हम जान रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 3 बिलोंग्स टू ए है, मतलब 3 ए का सदस्य है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे है तो ये आपका मेरा क्या गया 3 बिलोंग्स टू ए, ये आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू, 4 इसका सदस्य है ए का, नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। 10 इसका ए का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 2 क्या हो गया, इसका गलत हो जाएगा। इस टाइप से हम देखते हैं। अब ये चैप्टर 1 का डिफिनेशन था, मतलब जहाँ तक थ्योरेटिकल था। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो जो आपका नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। यहाँ तक थैंक यू, धन्यवाद।